हरियाणा के आदमपुर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 6 नवंबर को मतगणना होगी। कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद से ये सीट खाली हो गई थी। बिश्नोई ने कांग्रेस के टिकट पर इस सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन कुछ दिनों पहले कुलदीप भाजपा में शामिल हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। गुरुग्राम में एक जर्जर इमारत को ध्वस्त करने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। इमारत की दीवार गिरने से 3 लोग मलबे में दब गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा गुरुग्राम के उद्योग विहार इलाके में हुआ। हादसे के बाद मलबे में दबे 2 लोगों को बाहर निकाल लिया गया। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन के आला अधिकारी और राज्य आपदा बचाव प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। सोनीपत के गांव खानपुर कला में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की छात्राओं ने प्राध्यापक पर वीडियो कॉल कर अश्लीलता करने का गंभीर आरोप लगाया। गुस्साई छात्रों ने विश्वविद्यालय का गेट बंद कर प्रदर्शन किया। मामला बढ़ता देख विश्वविद्यालय प्रबंधन ने आरोपी प्राध्यापक को निलंबित कर दिया है। छात्राओं का आरोप है कि 20 सितंबर को 3 लड़कियों के मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल आई। कॉल को रिसीव करने प्राध्यापक ने अश्लीलता शुरू कर दी। छात्राओं ने प्राध्यापक को बर्खास्त करने की मांग की। करनाल में होने वाले दशहरे महोत्सव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कर्ण नगरी में इस बार दशहरा महोत्सव खास होगा। दशहरे पर इस बार 60 फीट ऊंचे रावण, 50 फीट ऊंचे कुंभकर्ण और 50 फीट ऊंचे मेघनाथ के पुतले लगेंगे। कमेटी के सेक्रेटरी गोविंद ने कहा कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और रावण का पुतला भी खास होगा। इस बार रावण के पुतले की आंख और मुंह से आग निकलेगी और उसके बाद पुतलों में आतिशबाजी की जाएगी। देश भर में दुर्गा अष्टमी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया गया। अम्बाला के कालीबाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। इस मंदिर में मां काली विराजमान है और दुर्गा अष्टमी के दिन इस मंदिर में भक्तों की काफी भीड़ रहती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में मां काली सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दुबई दौरे पर हैं। सीएम कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरे में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। गुरुग्राम की ग्लोबल सिटी में 1007 एकड़ जमीन पर बसने वाले 5 शहरों के लिए इन सिटी के इस प्रोजेक्ट में वैश्विक स्तर की सुविधाएं हों, इसके लिए हरियाणा सरकार विश्व स्तरीय शहर बसाने वाली बिल्डर कंपनियों से संपर्क कर रही है। सरकार 2 बैठकें कर चुकी है और 3री बैठक के रूप में अब नई कॉन्फ्रेंस दुबई में रखी है। इस बार मुख्यमंत्री दुबई में गुरुग्राम में प्रस्तावित ग्लोबल सिटी के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने गए हैं। हरियाणा में सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के कारण गेहूं सड़ गया। दरअसल गेहूं के कई स्टॉक को बिना किसी क्रेट के सीधा जमीन पर ही रखा हुआ था, जिस कारण बारिश का पानी गेहूं में गिरने की वजह से गेहूं पूरी तरह से सड़ गया और सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही के कारण पुंडरी के गोदाम में रखा करीब 6.5 करोड़ रुपए की कीमत का 3200 MT गेहूं खराब हो गया। बेमौसम बरसात और बाढ़ से फतेहाबाद के भूना में हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला उपायुक्त को निर्देश दिए हैं कि पानी जमा होने से जिन घरों और अन्य प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है उनका सर्वे कराया जाए। सर्वे के लिए कमेटी गठित करके 15 दिन के अंदर रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि प्रभावित लोगों को मुआवजा देने के लिए सरकार फैसला ले सके। फतेहाबाद प्रशासन ने इस संबंध में एक पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी। करनाल और अम्बाला एसटीएफ ने इनामी गैंगस्टर मुकेश को गिरफ्तार किया है। मुकेश के पास से एसटीएफ की टीम ने 4 विदेशी पिस्टल समेत कई हथियार बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक मुकेश के पास ये सभी हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आए थे। बताया जा रहा है कि मुकेश का संपर्क पाकिस्तान में बैठे आतंकी के साथ है और इस पर हत्या का प्रयास समेत कई केस दर्ज है। गैंगस्टर मुकेश लॉरेंस और कमालपुर गैंग के लिए भी काम करता है। पंचायत चुनाव को लेकर एक तरफ जहां सरगर्मियां तेज हैं, यमुनानगर के म्यूनिसिपल गांव में माहौल तनावपूर्ण है। यहां एक व्यक्ति ने एक बंद दुकान के शटर में फायरिंग की और एक धमकी भरा खत भी छोड़ा। खत में लिखा है कि जो भी सरपंच बनेगा उसे गोली मार दी जाएगी। फायरिंग करने वाले और धमकी देने वाले शख्स की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस फिलहाल मामले की जाँच कर रही है।